हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, हैप्पी इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं क्या है आपके पार्टनर का इवनिंग थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, चल क्या रहा है उनके लाइफ में, क्या हो रहा है उनकी ज़िंदगी में, ताक झाँक करने की पूरी कोशिश करेंगे। जितना हो सके आपको बताने की कोशिश करूँगे। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और लाइक कर लेना, ठीक है। शेयर भी आप कर सकते हो। तो रीडिंग पर आते हैं। अब आपके पार्टनर का सिचुएशन और फीलिंग्स क्या है आपके लिए, यही जानने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए उनका नाम लेकर, उनको याद करके और यूनिवर्स से प्रे करके इस रीडिंग को देखिए, आपको क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी। नहीं मिल रही है इस रीडिंग में तो नेक्स्ट रीडिंग आप देख सकते हो, और भी मैंने रीडिंग्स अपलोड किया है मॉर्निंग का, देख सकते हो। तो चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्या हो रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं ये, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उनके लाइफ में। माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, किसी ने इनको बैक स्टेप किया है, किसी ने इनके पेट पर छुरा गोभा है, ठीक है। किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है, ठीक है। किसी ने इस पर्सन की लाइफ को हेल बना दिया है, स्पॉइल कर दिया है। कोई टॉक्सिक अनहेल्दी लोग इनके लाइफ में हैं और इस पर्सन के लाइफ में पीस नहीं है। ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनके वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हैं, काफ़ी ओवर थिंक कर रहे हैं। उनके वजह से ये पर्सन मुझे राइट नाउ बहुत टेंशन लेते हुए, हेडेक, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने किसी पर भरोसा किया था, वही लोग हैं। इनको ऐसा लगा था कि वो बिल्कुल साफ, वो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। जैसा दिखाया इन्होंने मान लिया, ठीक है, दिखाया बहुत भोले भाले हैं, काफ़ी स्वीट हैं, बिल्कुल सफ़ेद रंग की तरह साफ हैं वो, उनका दिल बहुत साफ है। और रियलिटी क्या था? पॉलिटिक्स का गेम खेला इनके साथ, बैक स्टेप किया इनको, ठीक है। तो किसी से बहुत बुरी तरीके से धोखा मिला है, जिन पर ये खुद भरोसा करते थे आँख बंद करके, जिनको ये मानते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है, उनसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, वही लोग हैं, उन्हीं की वजह से आज ये बहुत परेशान हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं। आई थिंक उन्हीं की वजह से इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, आप दोनों का जो खूबसूरत रिश्ता था उसको तोड़ा, आपसे आगे बढ़े, उनको चूज कर लिया। और आज पता चल रहा है इन्होंने क्या चूज़ किया था, इन्होंने किस पर भरोसा किया था, किन पर ट्रस्ट किया था, जिनको ये मानते थे बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं, आज वो क्या हैं, क्या निकले आज ये देख रहे हैं, ठीक है। दिमाग काम नहीं कर रहे हैं इनका। एक और आप इनके लाइफ में नहीं हो, और दूसरी ओर ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, इनको ये झटके पर झटके मिल रहे हैं। ये इनका सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है, इनकी एनर्जी दिखाई दे रही है। चेक करते हैं आपके बारे में क्या है इनका ख्याल। यूनिवर्स मुझे बताएं, जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, जो पर्सन इनके मन में हैं, उनका ख्याल, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। अवेयरनेस, रिग्रेट कर रहे हैं, दुखी बहुत 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 ज़्यादा हैं। आप कह सकते हो कि ये डेली रीडिंग में आता है, बहुत दुखी हैं, पर क्या ये रियल होता भी है कि नहीं, ये रियल है भी कि नहीं, आप खुद ही देख सकते हो। मैं क्या ऐसे थोड़ी ना कह रही हूँ। सॉरो आया है, अवेयरनेस आया है, यहाँ पर भी ये पर्सन का दिमाग आप देख सकते हो, इस पर्सन का ये पिक्चर में क्या है। जो भी हुआ है ना, स्पिरिचुअल हुआ है, जो भी हुआ है ना, कर्मा मिला इस पर्सन को, इस व्यक्ति को, यूनिवर्स ने कुछ ऐसा खेल इनके साथ किया जो इन्होंने आपके साथ किया, किसी और ने वो तो हराया इनके साथ, तब इस पर्सन को अकल आई कि इन्होंने कहाँ पर क्या गलती किया है, और समझ रहे हैं कि इनको कर्मा मिल गया है, ठीक है। जितना हर्ट इस पर्सन ने आपको पहुँचाया है, आपको दुख तकलीफ दिया है, वो दुख तकलीफ दुगने इनको मिला है। आज ये बहुत दुखी हैं, ये पर्सन समझ रहे हैं, आपके दर्द को फील कर पा रहे हैं। आप कितने दर्द में थे जब ये पर्सन आपकी लाइफ से गए, आपको छोड़ा, जब ये पर्सन आपको ग्रांटेड लेते थे, आपको हर्ट करते थे, आपको रुलाते थे, आप कितना दर्द में थे, ठीक है। ये पर्सन जैसे भी थे, आपने इनको प्यार किया, बस इनका साथ चाहा, उसके बावजूद भी ये पर्सन आपको हर्ट पर हर्ट, दर्द पर दर्द देते रहे, हर्ट पहुँचाते रहे। आपकी तकलीफ, आपका दर्द का एहसास आज इस व्यक्ति को हो रहा है कि मैंने उसको कितना दर्द दिया है, कितना ज़्यादा, उसके बावजूद भी बस उसने क्या चाहा मुझसे, मेरा साथ। आई थिंक आप गिड़गिड़ाए हो, या आपकी एनर्जी ऐसे कि तुम मत छोड़ो मुझे, और फिर भी इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि ऐसा था ना,
भाव बढ़ गया था इनका कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमें तो कोई भी मिल सकता है। और आज इनकी यही एनर्जी देखो कितना ज़्यादा गिल्टी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पाप हो गया है इनसे, बहुत बड़ा गलती हो गया है, बहुत बड़ा मिस्टेक्स हो गया है। दिल चिक चिक कर आवाज़ कर रहा है कि मुझसे क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या खो दिया, खुद के ही बाल नोच रहे हैं। और बस पछताने के अलावा, रोने के अलावा, आपका चाहत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं तो बस पछता सकते हैं, रिग्रेट कर सकते हैं, आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। बहुत सैड है, बहुत दुखी हैं, ठीक है, बहुत गिल्टी हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या स्टेप लेंगे, इस पर्सन का स्टेप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या होगा, क्या स्टेप लेंगे ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के लिए, इनका एक्शन क्या होगा। दो कार्ड्स आना चाह रहे हैं, मैं दोनों ही लूँगी। ओके, ये पर्सन ना वापस से आपको पाने की कोशिश करेंगे, आपको अपने लाइफ में रखने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपने कॉमन फ्रेंड्स, जो आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं या इनके खुद के फ्रेंड्स हैं, उनको आपके पास भेज सकते हैं, कॉन्टैक्ट करा सकते हैं। ठीक है, कुछ यानी कि किसी को भी, इनकी फैमिली के मेम्बर भी हो सकते हैं जो कि आपसे बात करें, अगर इनका आप नहीं सुनते हो या ये पर्सन खुद ना आकर किसी और को आपके पीछे लगा सकते हैं। ठीक है, कि तुम उसको बनाओ, मेरे खिलाफ अच्छी अच्छी बहुत बातें करो, यानी कि मेरे बारे में बहुत अच्छे अच्छे बातें करो, मेरा गुणगान गाओ, जिससे वो खुद मेरी ओर आ जाए, मुझे अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर ले या मेरी रहे, मुझसे प्यार करे, मुझसे मौन कभी ना करे, कुछ ऐसा करेंगे। ठीक है, आपके मन को, आपके दिल दिमाग को अपने अपने मुट्ठी में करने की, जैसा ये चाहते हैं वैसा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, आप इनके हिसाब से चलो, ये जो चाहते हैं वो आप करो, इनकी पूरी कोशिश होगी ऐसा कराने का आपसे, पर यूनिवर्स आपका साथ है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप वही करोगे जो आपके लिए बेहतर है। आपका इंट्यूशन, यूनिवर्स, आपके गॉड आपको गाइडेंस दे देंगे कि तुम्हें क्या करना है। देखो, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास आया है या आई है, और तुमने क्या झेला है, तुमने क्या क्या नहीं देखा है, क्या क्या तुमने सिचुएशन नहीं देखा है, तो देख लो तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, फिर से रोना धोना चाहते हो या उन पर भरोसा करना चाहते हो जिन्होंने आपका भरोसा तोड़ा है, तो देख लो क्या चाहते हो। तो आप काफ़ी पॉजिटिवली हैंडल करोगे इस सिचुएशन को, इस व्यक्ति को। ठीक है, आप काफ़ी कूल काम मुझे दिखाई दे रहे हो, आप ऐसे यानी कि इस बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। ठीक है, और ये पर्सन बिल्कुल बौखला जाएंगे कि मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, मैं इसको चाहता हूँ, किसी भी थ्रू, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी शर्त पर मुझे ये चाहिए, इस वाले एनर्जी में आएंगे। यूनिवर्स मुझे एक बार प्लीज़ और बता दीजिए इस व्यक्ति का एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स के लिए, मुझे क्लियर कर दीजिए, जिससे मेरे व्यूवर्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्लीज़ मुझे क्लैरिटी दीजिए, इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होगा इनके लिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इनके साथ, आपका पास्ट लाइफ कर्म है, अभी भी अब दोनों के बीच बहुत कुछ होना बाकी है। मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, इनके साथ आपका एंड नहीं हुआ है, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, ये पर्सन वापस से आपके लाइफ में आएंगे। आई थिंक आप पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हो या आपको महसूस हो गया, आप ऑलरेडी जानते हो कि पर्सन आपके पास्ट लाइफ पार्टनर हैं, सोलमेट हैं या कार्मिक पार्टनर है, आपको ये पता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। अगर ये आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर आपके ट्रू लव हैं, डेफिनेटली आपको खुशियाँ देने के लिए आ रहे हैं, अब सिर्फ और सिर्फ आपको खुशियाँ देंगे, आपको हैप्पीनेस देंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, बिग चेंजेस लेकर आ रहे हैं, आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको खुशियाँ देंगे। तो और अगर आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो अपना कर्म पूरा करेंगे, और आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, लेना चाहते हो, नहीं लेना चाहते हो, इनको माफ़ करके
ज़िंदगी इनके साथ लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हो या क्या चाहते हो। अगर ये आपको सही लगते हैं, बिल्कुल अगर ये राइट है, तो आप दोनों साथ में आकर रहोगे, यूनिवर्स आप दोनों को मिला कर रहेगी। और ये राइट नहीं है, आपके लिए हार्मफुल है, तो निकाल देंगे यूनिवर्स इनको, ये निकल जाएंगे, आप खुद ही निकालोगे, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है, कि कौन आपका लव है, ट्रू लव है, कौन आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, आपको क्या चाहिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगी। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्राइवेट रीडिंग बुक करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेकआउट कर सकते हो। बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें, लव यू ऑल।